कितना चप्पल घिसना पड़ेगा। अधिकांश तो ऐसे लोग ऋण मिलता ही नहीं है, अब क्या करेगा वो, मजबूरी जाना महाजन के पास। महाजन पास गया, अब शुरू हो गया शोषण खेल उसका। तो अभी भी हम इतने विकसित हो गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे किसान, हमारे गरीब लोग, हमारे ग्रामीण लोग शुद्ध खोर महाजन के पास जाने के लिए विवश है। अब मान लीजिए रात में किसी व्यक्ति का, मान लीजिए उदाहरण दिया, मंगरू रहता है, गरीब बहुत है, रात में उसका बेटा बीमार हो गया, अब उसको डॉक्टर बताना है, कम से कम उसको 4,000-5,000 खर्चा चाहिए, अब तुरंत चाहिए ना, अब बैंक में लोन लेगा तो बच्चा मर जाएगा उसका, अब क्या करेगा वो, यहीं पर उसको मजबूर हो जाती है कि जाना किसके पास, या तो रिश्तेदार से मांगे, पड़ोसी से मांगेगा, या महाजन से मांगेगा। तो ऐसी चीजें हैं, सच्चाई है कि इसको हम बंद नहीं कर पाए। आज भी जो ऋण के स्रोत है, अनौपचारिक स्रोत, अभी भी चालू है, इसको मजबूरी है, क्योंकि तुरंत गरीब आदमी, मान लो शादी ब्याह करना है किसी को है। एक बात और है, बैंक जो लोन देती है वो प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए देती है। आपको पार्टी मनाना है, बर्थडे मनाना है घर बेटा का, उसके लिए नहीं लोन देगी। शादी ब्याह के लिए बहुत ही गिरवी रखकर आसान देती नहीं है। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, अधिकांश लोग क्या करते हैं, बैंक के चक्कर में छोड़ करके क्या करते हैं, महाजन से ले लेते हैं, इस तरह से भरते रहेंगे। तो एक चीज सच्चाई है जो अभी भी भारत में जारी है, लेकिन हाँ जी, जब तक आप पूरी जांच पड़ताल नहीं करेगा तब तक लीन देगा नहीं, और गारंटर चाहिए फिर, और गरीब लोग गारंटर बनना चाहता नहीं है, कौन बने जाएगा ऋण के लिए, माता पिता देने के लिए। इस प्रकार से यहाँ डाटा दिया गया है हमारा, आप देखेंगे भारत में जो ऋण के स्रोत हैं उसमें आप देखिए अपने किताब में, सबसे अधिक जो ऋण देती है सरकार, जो सबसे, देखिए देख लीजिए आप, सबसे अधिक ऋण कहाँ से मिलता है, अनौपचारिक क्षेत्र से। अभी जी सबसे अधिक जो ऋण देने वाला स्रोत है, जबकि हम इतने विकसित हैं, और हम जानते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्रों में किसानों का, गरीबों का शोषण होता है ऋण लेने पर, फिर भी भारत में अधिकांशतः ऋण किससे मिलता है, अनौपचारिक क्षेत्र से। जबकि हम इतने विकसित हो गए हैं, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हमारा देश इतना डेवलपिंग कंट्री कहला रहा है, फिर भी आज भी सच्चाई क्या है, भारत में जो लोगों को ऋण मिलता है वो सर्वाधिक ऋण कहाँ से मिलता है, अनौपचारिक क्षेत्र से, ठीक है ना। व्यवसायिक क्षेत्र से देखेंगे आप, इसमें मात्र जो कितना परसेंट है, 25%, ठीक है, 33% हम लोग लेते हैं अनौपचारिक क्षेत्र से, 33%। ओके, तो ये ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग सरकार कर रही है।